हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं सुबह सुबह रेडी होके अभी जाऊंगी नीचे, ब्रेकफास्ट करूंगी, उसके बाद हम निकलेंगे घर देखने के लिए, क्योंकि ये पीजी एक्सपेंसिव है और हम यहाँ पे थोड़े टेम्प्ररी बेसिस के लिए ही थे। तो खुशबू तो बॉम्बे में और मौसम फ्लाइट पे, आपको तो पता ही होगा। तो मैंने सोचा मैं अकेले जाके देख के आ जाती हूँ और उन दोनों को अपडेट कर दूँगी। तो चलिए, आज हमारा दिन जाने वाला है हाउस हंटिंग में, तो चलो मेरा साथ दो, देखो ज़रा। और कमेंट बॉक्स पे अगर आपको कोई लीड पता हो दिल्ली NCR या दिल्ली में कहीं सेफ जगह, तो प्लीज़ मुझे बताना, ठीक है। ये हम आ गए नीचे और ड्राइंग रूम में, और आज बनी थी आलू टमाटर की सब्ज़ी और कुछ कचौरी टाइप की, जो पूड़ी नहीं होती वो बनी थी, बहुत टेस्टी थी। फिर मेरी आज मैंने ओला बाइक की थी, तो मैं निकली अपने हाउस हंटिंग के लिए। एक्चुअली मेरे पीजी से काफ़ी दूर है वो जगह, और ये रहा वो घर। मैंने ओनर से परमिशन ली कि मैं वीडियो निकाल सकती हूँ कि नहीं, तो उन्होंने दे दी। और घर काफ़ी अच्छा था, पर मुझे कनेक्टिविटी बहुत ही बेकार लगी, मतलब बहुत। तो यहाँ मैंने एक फ्लैट देख लिया है, पर मुझे कुछ कनेक्टिविटी जम नहीं रही है, इसलिए अब मैं दूसरे लोकेशन जा रही हूँ और वहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि क्या पसंद आता है। हम एक्चुअली 1-1 BHK एक ही बिल्डिंग में देख रहे हैं और 3 BHK देख रहे हैं, मतलब इधर और, या तो 1-1 BHK मिल जाए या तो 3 BHK मिल जाए। तो लेट्स सी अब क्या मिलता है। फिर वहाँ से मैंने किया उबर रिक्शा और मैं निकल गई दूसरे लोकेशन पे। तो पूरे दिन घूमने के बाद और हाउस हंटिंग करने के बाद मैं अभी 5 बजे कुछ पहुँची हूँ अपने पीजी, और एक दो घर कुछ पसंद आए हैं, तो लेट्स सी वो फाइनल होता है या नहीं। कल मौसम आ जाएगी तो उसको लेकर जाऊँगी, वो एक बार विज़िट कर लेगी एंड देन वी विल सी। अभी तो बहुत ज़ोर की भूख लगी है और देखती हूँ मैं कुछ है खाने के लिए या फिर ऑर्डर करना पड़ेगा। मैं अपने रूम में तो आ गई, नीचे किचन में देखा तो कुछ खास खाने के लिए था नहीं, बट उन्होंने कुछ कचौड़ियाँ बनाई हुई थी तो मैंने 2 कचौड़ी ले ली है। अभी फ्रेश होके मैं पहले वो खाऊंगी, बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। पूरा दिन हाउस हंटिंग करी और फिर काफ़ी जगह देखा। एक्चुअली हमें दिल्ली गुड़गांव में नहीं रहना है, क्योंकि काफ़ी आउटस्कर्ट पड़ जाता है, हमें थोड़ा सा चाहिए था कि हम ज़्यादा ओल्ड दिल्ली की तरफ भी ना जाएँ और ज़्यादा आउटस्कर्ट भी ना हो। तो अब पता नहीं, सब कल पे डिपेंड करता है, अब क्या होगा, क्या कहाँ लेंगे। फ़िलहाल मैं थक गई हूँ, फ्रेश होके और कुछ खा के उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो कचौड़ी मैंने खा ली है और फिर उसके बाद भी मेरी भूख नहीं मिट रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि बाहर से कुछ ऑर्डर कर ही लेती हूँ। ऐसे ही होता है, यही टाइम होता है जब घर की सबसे ज़्यादा याद आती है, कि घर में तो चलो फ्रूट्स अवेलेबल होता है, सब कुछ अवेलेबल है, अपना गैस है, अपना सब कुछ है, बना के खा लो या फ्रूट्स खा लो। यहाँ पे बार बार ऐसे होता है कि बाहर से मंगाओ। अब मेरे पास ये चॉकलेट रखी हुई थी, तो मैं सोच रही हूँ यही खा लूँ और पानी पी के पेट भर लूँ, या फिर मैं खाने तक का वेट ही कर लूँ, पर तब तक बहुत टाइम हो जाएगा क्योंकि मैं खाती 10 बजे हूँ। और न्यूज़ फॉर मी, मुझे कुछ मंगाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने चेक किया तो ये एक अमरूद रखा हुआ था। इसको एक्चुअली मुंबई में पेरू भी बोलते हैं, तो जो कहना चाहो। तो ये रखा था तो मैं सोच रही मैं ये खा लेती हूँ, चॉकलेट भी खा लेती हूँ और फिर पानी पी लेती हूँ, तो शायद पेट मेरा कंट्रोल में रहेगा, मुझे भूख नहीं लगेगी। हाँ, फिर तब तक खाने का टाइम हो जाएगा। अभी एक्चुअली कुछ बज रहे हैं 7:30, 10 बजे तक मैं खाना खा लूँगी, तो मैं ये खा के मिलती हूँ। फिर नेक्स्ट डे हो चुका था, फिर रात में मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया। नेक्स्ट डे भैया आए क्लीन करने के लिए, तो मैंने उनसे रूम साफ़ करवाया, उनकी हेल्प की, और अपना जो चादर होता है वो चेंज करवाया, गैलरी साफ़ करवाई और पूरा रूम साफ़ करवा दिया। हेलो गाइस, तो अभी दूसरा दिन हो चुका है और मैं काफ़ी आज बोर हो गई थी, क्योंकि कल पूरा दिन ट्रैवलिंग किया तो मैंने कुछ बनाया ही नहीं। अभी क्लीनर वाले भैया आए हुए थे तो मैंने सारा कुछ साफ़ करवाया, और शाम के कुछ 4:30 हो रहे हैं, मेरा अभी जस्ट एक व्लॉग लाइव हुआ है, और
कुछ नहीं, लेट्स सी। अब मैं आज का दिन तो ऐसे ही बोरिंग जाने वाला है, कल मौसम आएगी तो वी विल सी कि हम कल वापस हाउस हंटिंग के लिए जाएंगे या क्या करते हैं। तो ये ब्लॉग एक्चुअली मैं कंटिन्यू कर रही हूँ ताकि प्रॉपर कंटेंट ही देखने मिले आपको। शाम के कुछ 6 बजे हैं और मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा ना स्क्रब कर लेती हूँ, क्योंकि कल दोपहर में मैं बाहर निकली थी तो मुझे मेरी फेस थोड़ी टैन लग रही है। तो मुझे जब मैंने नायका से ऑर्डर किया था, अभी तो फ़िलहाल सीरम लगा है विटामिन सी का, और तो मैंने नायका से शॉपिंग की थी, तो बर्थडे वीक के टाइम मुझे नायका से स्क्रब आया था नायका का। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा स्क्रब कर लेती हूँ और फिर पूजा करेंगे। फिर आई कैन अंडरस्टैंड, मतलब मेरे व्यूअर्स के लिए मेरा व्लॉग देखना शायद थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा होगा, क्योंकि सी मैं अभी दूसरे स्टेट में हूँ, मेरी फैमिली मेरे फ्रेंड्स सब मुंबई में हैं, तो मुझे अकेले ही एंटरटेन करना होता है, और अकेले मतलब लिटरली अकेले, मतलब मेरे फ्रेंड्स भी फ्लाइट पे होते हैं या कोई घर गया होता है, तो मैं लोगों के साथ व्लॉग नहीं बना पाती। तो जो कुछ छोटी मोटी कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ एटलीस्ट बताती रहूँ, व्लॉग बनाऊँ, तो वो कोशिश हमेशा रहेगी, और जितना हो सकेगा मुझसे मैं उतना इम्प्रूव करने की ट्राई करूँगी। ये काफ़ी माइल्ड स्क्रब था और मुझे अपने फेस पे ज़्यादा हार्श स्क्रब करना अच्छा भी नहीं लगता, इसलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट स्क्रब किया होगा हल्के हल्के हाथ से, और फिर मैंने अपना फेस वॉश कर लिया था। तो मेरा स्क्रब हो चुका है और अब मैं इस पर मॉइस्चराइज़र लगा लूँगी और कुछ खा लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ, मैं मेरे बेड के साइड में जो मेरा साइड टेबल है वहाँ मैं क्या क्या रखती हूँ। तो मैं हमेशा जब भी कहीं बाहर ऐसे सेटल होती हूँ तो हमेशा ये दोनों चीज़ों को कभी नहीं भूलती। ये मुझे किसी ने गिफ्ट किया था और ये इंडिगो के टाइम से मेरे पास है, तो मैं हमेशा इनको अपने साथ रखती हूँ। ये छोटे छोटे क्यूटीज़ है, और ये मैंने दिल्ली हाट से लिया था एलिफेंट। आप सबको पता होगा बेबी एलिफेंट मेरा फेवरेट एनिमल है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये मेरी खांसी की दवाई, आपको याद होगा मैंने फर्स्ट व्लॉग में बताया था कि मैं बीमार पड़ गई थी, ये मेरे एक्ने रिलेटेड दवाई है, आई ड्रॉप है, सीरम्स है और ब्लड प्यूरीफायर वाली टैबलेट्स है, और ये विटामिन सी है, और ये हाँ ये कफ़ के टाइम पे यूज़ करते हैं, कफ सिल्स जैसा ही होता है। और ये मेरी दोपहर की खिचड़ी जो बच गई है, क्योंकि यहाँ पे दोपहर में लंच नहीं मिलता, तो ये कुछ है साइड टेबल मेरा ऐसा। जैसे ही मेरा थोड़ी खांसी वगैरह सब ठीक हो जाएगी तो ये दोनों मेडिसिन हट जाएगी। की बात आई गई है तो मैं बता दूं कि मुझे ना हैंडमेड गिफ्ट्स और हैंड रिटन नोट्स, भले वो छोटे छोटे हो, मुझे अच्छे लगते हैं। और मेरा ऐसा है कि मैं इतनी सेंसिटिव हूँ और हर छोटी चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है, हर छोटा एफर्ट भी, तो और कोई भी एफर्ट छोटा नहीं होता। तो मुझे ऐसा है कि छोटी चीज़ें रुला भी देती है तो छोटी चीज़ें हंसा भी देती है, तो मैं कभी भी ऐसे कम्प्लीटली डिपेंडेंट नहीं होती कि मुझे बड़ी चीज़ ही चाहिए तो मैं खुश रहूँगी। आप मुझे 2 वाली चॉकलेट ला के भी दे देंगे कि हाँ ट्विंकल आई रिमेंबर कि तुझे ये पसंद है, बस उसी में मैं ऐसे खुश हो जाती हूँ। दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल्स। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या, मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि इवन इन फ्लाइट्स ना मुझे बहुत पसंद है अपने पैसेंजर्स को ऐसे नोट्स देना, और इन रिटर्न मेरे पैसेंजर्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं, टच वो भी मुझे इतना पैम्पर करते हैं, कोई ना कोई नोट दे के जाता है, और दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ माय जॉब। ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा इसीलिए इसे इस बार शॉर्ट रखा हुआ है, और फिर मिलते हैं आपसे अगली व्लॉग में। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।